दोस्तों, मेरा नाम काशवी है और मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। ये मेरे साथ घटित सच्ची घटना है। जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी, हमारे स्कूल ने हमें मैसूर में घुमाने का प्रोग्राम बनाया था। हमको उस दिन सुबह 10 बजे स्कूल बुलाया था। उस ट्रिप के लिए हमारे स्कूल ने कुल 12 गाड़ियों का बंदोबस्त किया था। हमारी गाड़ी सबसे अंत में खड़ी थी। हम सारी सहेलियाँ गाड़ी में बैठ गई थी। कुछ ही देर में फिर गाड़ी रवाना हो गई। हम सारी सहेलियां रास्ते में गाते गुनगुनाते हंसते खेलते जा रहे थे। हमको रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। उस रास्ते से गुजरते वक्त मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हमारी गाड़ी उस रास्ते से गुजरते वक्त जंगल के बीच ही अचानक पंचर हो गई। हमारी गाड़ी को वहीं रोकना पड़ा। हमारी मैडम ने हमें गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। हम सारी सहेलियां गाड़ी से नीचे उतर गईं। हमारी मैडम ने दूसरी गाड़ी में बैठी मैडमों को गाड़ी पंचर का बताया और उनको रुकने से मना किया और कहा पंचर थोड़ी देर में बन जाएगा। नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा ढाबा है, आप सभी लोग वहाँ जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए और मैं गाड़ी का टायर बदल आता हूँ। हमारी मैडम बस के पास खड़ी रहीं और हम 50 लड़कियाँ पैदल चल पड़ी। वो जंगल इतना घना था कि बस जंगली जानवरों की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। सभी उस ढाबे पर पहुंचे। वहां बूढ़ा सा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे एकदम से चक्कर जैसा महसूस हुआ और मैंने उससे नज़रें हटा ली। हम सभी लड़कियों ने वहां पर चाय पी। तभी थोड़ी देर में वहां जोर जोर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आने लगी। ऐसी आवाज़ सुनकर मैं और मेरी सहेलियाँ बुरी तरीके से डर चुकी थीं। तभी वो बूढ़ा आदमी लंगड़ाता हुआ जोर से जंगल की ओर भागा। तभी मेरी एक सहेली को उल्टियाँ होने लगी। हमने तुरंत मैडम को फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन बहुत से बाहर बता रहा था। हम सभी लड़कियाँ उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर बस खड़ी थी। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमारे होश उड़ गए क्योंकि बस वहाँ से गायब हो चुकी थी। हम सभी बुरी तरीके से सहम गए थे और हम सब उसी ढाबे पर चले गए। तो वो बूढ़ा आदमी वापस आ गया था और उसने बताया कि अक्सर इस जंगल में ऐसी चीखें आती रहती हैं और मुझे जंगल में कोई नहीं मिलता। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम और ज़्यादा डर गए। तभी अचानक हमारी बस आ गई और हम सारी लड़कियां बस में बैठ गईं। हमने मैडम को पूछा बस कहाँ गायब हो गई थी मैम, तो मैडम ने कहा टायर तो बदल दिया था लेकिन डीजल भरवाने के लिए पीछे पेट्रोल पंप पर गए थे। ये सुनकर हमारी जान में जान आई। मेरी सहेलियाँ उस बूढ़े आदमी को बाय बाय कर रही थी। थोड़ी देर चलने पर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो ढाबा धस गया था। मैं जोर से चिल्लाई और ड्राइवर को सब बताया और ड्राइवर गाड़ी मोड़कर उस ढाबे तक गए। गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो ढाबा तो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहीं नजर भी नहीं आ रहा था। हम सभी फिर से बस में बैठकर रवाना हो गए। मैं गाड़ी में पीछे की तरफ देख ही रही थी और मुझे उस ढाबे के पास पेड़ के पत्ते से लहराती सफ़ेद आकृतियाँ दिखाई दे रही थी। तभी ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में हमेशा कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं जिसकी असलियत कोई नहीं जान पाता है। इसके बाद हम सुरक्षित मैसूर पहुंच गए। दोस्तों, हालांकि मुझे इन सब चीज़ों का पूर्वाभास हुआ था लेकिन ये पता नहीं था कि ये सब हकीकत बन जाएगा। आज भी मैसूर ट्रिप की जब घटना याद करती हूँ तो मैं बहुत सहम जाती हूँ और मेरे मन में यही सवाल घूमते हैं कि उस सुनसान जंगल में वो बूढ़ा आदमी कौन था, क्या वो भूत था और वो कहाँ चला गया। और आप सुन रहे थे मौत के बाद।